मैं रामभाऊ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी रामभाऊ ने यहां पर घोषित किया है कि वे 87 इयर्स के, वैसे तो किसी को लगता नहीं है कि वो 87 इयर्स के हैं, और मैं तो बचपन से रामभाऊ को देख रहा हूं और मैं जब से देख रहा हूं तब से रामभाऊ ऐसे ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, और ईश्वर से प्रार्थना है वो ऐसे ही रहे। और इसलिए डॉक्टर अमित जैन जी से ये निवेदन है कि अगले 13 साल हर वर्ष एक भाषा में इसका संस्करण आप प्रकाशित कीजिए और हर कार्यक्रम में मुझे बुलाइए, मुझे भी रिकॉर्ड करना है। तो रामभाऊ जब 100 साल के होंगे उस समय का जो संस्करण होगा उस समय मेरा भी एक रिकॉर्ड होगा, और निश्चित रूप से ये प्रेरक विचार लोगों तक पहुँचेंगे। मैं विशेष रूप से साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का और हमारे तमिल सेल्वन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि तमिल में आपने इसको यहाँ पर पब्लिश किया। तमिल एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार की भाषा है, एक हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है, और मुझे ऐसा लगता है कि तमिल में जो ज्ञान है वो बहुत ही प्राचीन समय से एक ज्ञान की पूंजी हमको तमिल में मिलती है। कई बार हमारे जैसे लोग जिनको ये भाषा नहीं आती उनको ये लगता है कि हम लोग जो विजडम है उससे कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, पर मुझे लगता है कि जब इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है अलग अलग भाषाओं में तो उस भाषा का ज्ञान भी हम तक पहुंचता है। आज हम लोग जानते हैं कि तमिल के जो महान कवि है, फिलोसोफर है थिरुवेलुवर, इनके जो तिरुकुलर है जो दुनिया का सबसे बड़ा विजडम उसमें है, अगर वो दूसरी भाषाओं में अनुवादित नहीं होते तो हम जैसे व्यक्तियों को पता ही नहीं चलते। आज मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ तो वर्ड्स ऑफ विजडम केवल दो दो वाक्यों में कितना सुंदर जीवन का ज्ञान हमको इन तिरुकुलर्स के माध्यम से मिलता है। तो इसलिए हमारे भारत में ये ज्ञान को हम लोग इन अनुवादों के माध्यम से सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और मेरा विश्वास है कि ये तमिल संस्करण हमारे जितने तमिल भाई बहन हैं उन तक पहुंचकर उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी।